हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है सुमित लकड़ा। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 देखेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, चलिए देखते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखे, सबसे पहले आप 5.4 का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चन में आएंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या e की पावर x अपॉन में sin x है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन टूल हम लोग ने पढ़ा था, क्या करते हैं हम क्वेश्चन टूल में, सबसे पहले इसको हम लोग y इक्वल टू क्या करेंगे, ex अपॉन में sin x लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy / dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का dex, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x अपॉन में dx। अब क्या करेंगे, कोसेंट रूल में तोड़ देंगे, क्या होगा कोसेंट रूल में तोड़ेंगे तो sin बाहर आएगा sin x और e के पावर x इसका डिफरेंशिएट होगा, माइनस साइन लगेगा, फिर बाहर आएगा x बाहर आएगा, फिर क्या होगा हम लोग का sin x का डिफरेंशिएट होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा sin x का स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब देखते आगे क्या होगा, dy / dx क्या करना पड़ेगा, देखें sin का sin ही रहेगा, x क्या हो जाएगा, यही हो जाता है, हम लोग जानते हैं इसका डिफरेंशिएट ये पावर एक्स का डिफरेंशिएट एक्स ही होता है ना, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा ई एक्स और यहां पे देखिए साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसमें भी ई के पावर एक्स, इसमें भी ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, बस हम लोग का आंसर आ गया डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स बाहर आ गया हम लोग का, अंदर क्या बचा हम लोग का साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए या तो फिर आप डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, दोनों क्या है सेम ही चीज है ना। बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता है, लोग डाउट में रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे ई के पावर में क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो चलिए सबसे पहले वाई इक्वल टू इसको मान लेंगे हम लोग, ई के पावर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में, अभी किस में टूटेगा चेन रूल में टूटेगा, ठीक है ध्यान से देखिएगा। अगर आपने चेन रूल कोसेंट रूल प्रोडक्ट रूल नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन सबको देखिए, फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जिन्होंने मेरा शुरू से जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन क्या करेगा, आसानी से उन लोगों को समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, देखिए इसका डिफरेंशिएट क्या होता है ये एक्स, तो हम लोग सबसे पहले इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स अच्छा से लिख देता हूँ थोड़ा मैं, क्या हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अब किसका डिफरेंशिएट होगा साइन इनवर्स एक्स का, बहुत इजी है डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और मुझे तुरंत बताएंगे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन में क्या हो जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का ईस के पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।